वेलकम टू लर्निंग क्लास तो आज हम आय क्लास में क्यू कट करेंगे डिस्क्राइब एन ओल्ड पर्सन यू नो एंड रिस्पेक्ट तो इसमें हमें क्या कहना है हमें कहना है कि वो पर्सन कौन है और हम उसे कैसे जानते हैं और वो पर्सन किस तरह का पर्सन है यानी कि उसकी क्वालिटीज़ वगैरह बताएंगे और आखिर में हमें ये एक्सप्लेन करना है कि हम उस पर्सन के रिस्पेक्ट क्यों करते हैं तो जो सैंपल आंसर मैंने लिखा है उसमें मैंने अपने दादाजी के बारे में लिखा है कि वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है और वो हमेशा मुझे, मुझे मोटिवेट करते हैं इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और उन्हें एडमायर करता हूँ तो ये जो मेरा सैंपल आंसर है ये आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे ब्लॉग के लिंक पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट्स डो It. Frankly I love to spend my time with elderly people because they are the jewel in the crown of society as they have had experienced the ups and downs of life I know as well as respect a multitude of old people but here I would like to talk about my grandfather whom I admire the most since I live in a joint family I've known him my entire life if I talk about his personality he's tall and handsome on the outside and friendly and compassionate on the inside तो मुझे ओल्ड पीपल के साथ अपना टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के क्राउन में एक ज्वेल की तरह हैं तो यहाँ पर जो ई है जूेल इन द क्राउन इसका मतलब होता है कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर सक्सेसफुल हिस्सा किसी चीज़ का तो जो हमारी सोसाइटी में जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो हम बहुत ज़्यादा वैल्यू वैल्यू रखते हैं हमारी सोसाइटी में तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये ई यूज़ किया है द ज्वेल इन द क्राउन और ये ऐसा क्यों है वो वैल्यू क्यों रखते हैं क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होते हैं उनके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं तो मैं बहुत ज्यादा ओल्ड पीपल को जानता हूँ और उनके रिस्पेक्ट भी करता हूं तो यहां पर बहुत ज्यादा के लिए मैंने जो वर्ड यूज किया है वो है मल्टीट्यूड तो इसे हम लार्ज नंबर ऑफ की जगह पर यूज़ कर सकते हैं पर आज जिनकी मैं बात करूंगा वो मेरे ग्रैंडफादर फादर हैं मेरे दादाजी हैं जिनको मैं एडमायर करता हूं सबसे ज़्यादा तो एडमायर का मतलब होता है किसी किसी को ग्रेटली रिस्पेक्ट करना यू you नो know? तो क्योंकि अब ये तो हो गया कि वो कौन है अब हमें ये देखना है कि मैं उसे कैसे जानता हूँ तो जैसे कि मैं जॉइंट फैमिली में ही रहता हूँ तो मैंने उन्हें अपनी सारी लाइफ में के लिए जानता हूँ तो अब हम बात करेंगे कि वो किस तरह के पर्सन है तो अगर मैं उनकी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो वो टॉल एंड हैंडसम है ऑन द आउटसाइड और अंदर से वो फ्रेंडली एंड कंपैशनेट है तो कंपैशनेट का मतलब होता है कोई पर्सन जो किसी और कोई औरों के लिए कंसर्न दिखाए ही इज अ वार्म हार्टेड पर्सन ऑलवेज ट्राइज टू हेल्प अदर्स इन वन और अनदर वे Often I have seen people of my neighborhood seeking his advice whenever they find themselves in trouble. Additionally, he is a fitness enthusiast and thus never misses his routine of morning and evening walk. He also performs yoga half an hour a day and motivates me too to do so as he always says, good health is the first requisite of happiness. Coming to his hobbies, he likes to read books and watch news. In fact I always get updated with new information whenever we discuss politics. तो वो एक वार्म हार्टेड यानी कि काइंड पर्सन है जो हमेशा दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं काफ़ी बार मैंने पीपल ऑफ़ माई नेबरहुड को देखा है उनसे एडवाइस लेते हुए जब भी वो किसी मुसीबत में होते हैं और एडिशनली वो एक फ़िटनेस एंथोजियास्ट भी हैं तो एंथोजियास्ट का मतलब होता है कोई पर्सन जो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हो तो वो फ़िटनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो इसलिए वो फ़िटनेस एंथोजियास्ट हैं और इसीलिए वो कभी भी अपनी मॉर्निंग और इवनिंग वॉक की रूटीन नहीं मिस करते हैं तो वो योगा भी परफॉर्म करते हैं आधे घंटे एक दिन में और मुझे भी मोटिवेट करने हैं करते हैं करने के लिए क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि गुड हेल्थ इज़ द फर्स्ट फर्स्ट रेक्यूसाइट ऑफ हैप्पीनेस तो रेक्यूसाइट का मतलब होता है अगर हमें जैसे कि किसी चीज़ को पाना है तो उसे पाने के लिए जो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन जो होती है उसे हम रेक्यूसाइट कहते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छी सेहत जो है वो एक नेसेसरी कंडीशन होती है हैप्पीनेस को पाने के लिए तो यानी कि रेक्यूसाइट होती है तो उनकी जो हॉबीज़ हैं वो बुक्स पढ़ते हैं और न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो इनफैक्ट कि जब भी मैं उनसे न्यूज़ या पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करता हूं तो मुझे वो हमेशा नई इनफॉर्मेशन के साथ अपडेट ही करते हैं द रीजन वाई आई रिस्पेक्ट हिम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट इज दैट हीज मी टू फाइंड अ वेन आई फाइंड माई सेल्फ सराउंडेड बाई डेयर एंड अंडरस्टैंड मी इवन वेन माई पेरेंट्स गुड नॉट ही इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव सच अ ग्रीन बॉन्डिंग विद हिम लास्टली आई वुड लाइक टू से नॉट बी रॉन्ग ऑफ मी टू पुट हिम ऑन अ पेडेस्टल तो जो उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट उसका जो रीज़न है वो ये है कि वो हमेशा ही वो इंसान रहे हैं जो जब भी मैं उदास होता हूँ वो मुझे हंसाते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फिल्मी विद ग्ली ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस तो वो मुझे हैप्पीनेस से भरते हैं और जब भी मैं डेस्पेयर में होता हूँ डेस्पेयर का मतलब होता है जब कोई भी होप ना दिख रही हो तब वो मुझे इनकेज करते हैं कोई ना कोई वे फाइंड करने के लिए और वो मुझे तब भी समझते हैं जब मेरे खुद के पेरेंट्स भी नहीं मुझे समझ पाते हैं तो इसलिए वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं बहुत ही ज्यादा ख़ुश नसीब हूँ यानी कि ग्रेटफुल हूँ कि मेरा उनके साथ एक इतनी अच्छी बॉन्डिंग है और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा ये कहना गलत नहीं होगा अगर मैं उनको पुटेमोना पेडेस्टल करूँगा पुटेमोना पेडेस्टल जो ईडियम है इसका मतलब होता है किसी पर्सन को ग्रेटली एडमायर करना बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा एडमायर करना तो मेरे लिए ये गलत नहीं होगा उनको लिए कहना कि इफ़ आई वर टू पुट ऑन अ पेडेस्टल तो यही था हमारा आज का क्यू कार्ड होप सो आपको समझ में आ गया होगा If any doubt meet me in the comment section. Thank you so much.